डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट चैप्टर प्रोज का, जिसका नाम है द फन दे हैड। ओके, आइज़ैक एसिमोव ने इसको लिखा है साथियों, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट वन अगर नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा जा करके, जिसमें हमने एक से लेकर के पाँच पैराग्राफ तक आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम 6 नंबर पैराग्राफ से आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज की पहले ओके 6 नंबर पैराग्राफ से, और 6 नंबर पैराग्राफ हमारा कौन सा है ज़रा देखिए। टॉमी ने देखा ओके एट हर, उसकी ओर, किसकी ओर, विद वेरी सुपीरियर आइज, यानी कि टॉमी ने लुक्ड देखा एट हर, उसकी ओर विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही सुपीरियर आइज से श्रेष्ठता, अति श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली। हम कह सकते हैं टॉमी ने उस पर अति श्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली, ओके नजरें डाली, कैसी, बहुत ज़्यादा, यानी कि बड़े अचंभित होकर के सरप्राइजिंगली उसको देखता रहा। इसके बाद साथियों क्या हुआ, बिकॉज, क्योंकि, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारी तरह विद्यालय नहीं है ये, क्योंकि अब इनका टॉमी और गार्गी का जो विद्यालय है वो एक कमरे का बन करके रह गया है बच्चों, यानी कि अब पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था, ये आगे फ्यूचर की कहानी को बता रहे हैं। फ्यूचर की कहानी को इसाक एसिमोव ने लिखा है कि जो है 2022 में हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का होगा। तो उन्होंने देखा कि हमारी तो इस तरीके का विद्यालय नहीं है, उस समय दादाजी के ज़माने में जो है किताबों से पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन अब कहीं पर भी हम लोगों को किताबें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। हमारा तो बस एक कमरे का विद्यालय है जिसमें एक कंप्यूटर रखा हुआ है ओके, और उसके जाते हैं, स्क्रीन चालू करते हैं, ऑनलाइन टीचर आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, यानी कि कुछ भी हमको सीखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर वो कहते हैं स्टूपिड मूर्ख, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा या अपनी बुक निकाल लीजिएगा, जो भी मीनिंग टफ लगे उसके ऊपर उसका छोटा छोटा हिंदी मीनिंग लिखते जाइए बच्चों, क्योंकि जब तक आप बेहतरीन तरीके से अपनी लैंग्वेज में इसको समझ नहीं लोगे, तब तक इस चैप्टर की थीम आपको बेहतरीन समझ नहीं आएगी। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराने ज़माने का स्कूल था, दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। उन्होंने क्या बताया मूर्ख, ये उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, बहुत हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि जो कि सैकड़ों वर्षों पहले हुआ करते थे। ही एडेड, उसने आगे और एडेड किया लॉफ्टली, और लॉफ्टली का मतलब होता है जोर से, अर्थात इन अ सुपीरियर मैनर, और अधिक सुपीरियर मैनर में, और अधिक श्रेष्ठता भरे मैनर में उसने उसको जो है ऐड किया, क्या, प्रोनाउंसिंग करते हुए द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। तो अब यहाँ पर दोस्तों एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए, श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा शताब्दियों पहले। तो देखो पूरा पैराग्राफ मैं तेज़ी से रिपीट करता हूँ, टॉमी ने उस पर अति श्रेष्ठता भरी नज़रें डाली, दृष्टि डाली, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है मूर्ख, ये उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए, श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा शताब्दियों पहले। ओके, अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आगे पैराग्राफ हमारा कहता है श्योर, क्या कहा उन्होंने, कहा श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चय एक
देखो एक तस्वीर दिखाते हैं, उन्होंने उस किताब में इस तरीके की एक तस्वीर की पहले के ज़माने में किस तरीके जैसी इस समय शिक्षा व्यवस्था है हमारी, टीचर एकदम सामने होता है और सभी बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कैसा होता है, हम अकेले ही कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं, जिसमें कोई दिलचस्पी अर्थात कोई इंटरेस्ट नहीं आता और ना ही हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का आदत का ख़राब होना, ओके, कि किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था अपनाई जा रही है। अब आगे उन्होंने कहा श्योर निश्चित ही, ओके, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, किंतु वह नियमित अध्यापक नहीं होता था, किंतु वह रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वाज अ मैन, इट वाज अ, बड़ा आश्चर्य करते हुए जो है बोलते हैं, इट वाज अ मैन, ओके, क्या कहा उन्होंने, इट वाज अ मैन, अ मैन, फिर आश्चर्य, देखो कितना आश्चर्य, हर एक चीज़ में आश्चर्य हो रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी किताब नहीं देखी, दादाजी के पुराने ज़माने की आज उनके हाथ में एक किताब क्या लग गई, बड़े आश्चर्य से उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ओके। पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे, उसने कुछ समय तक उसके यानी कि टॉमी के कंधे पर जो है क्या करा, कंधे पर के ऊपर से पड़ा और कहा फिर भी उनका अध्यापक होता था, निश्चित ही उनका अध्यापक होता था, किंतु वह नियमित अध्यापक नहीं होता था, वह तो व्यक्ति हुआ करता था। इट वॉज अ मैन, अ मैन, ओके, व्यक्ति, कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है। देखो हाउ कुड अ, सरप्राइजिंगली बड़े आश्चर्यचकित होकर के वो कहती है, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता था। ओके वेल, चलो ठीक है, वेल, चलो ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉय, उसने ठीक टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के तथा लड़कियों की थिंग्स, ओके, एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता था, ये तो सरप्राइजिंगली क्वेश्चन था, अच्छा ठीक है, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था तथा उन्हें गृह कार्य दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था और उनसे एंड आस्क देम, आस्क मीन्स पूछता था, देम उनसे क्वेश्चंस, प्रश्न पूछता था। तो देखो किस तरीके से, अगला पैराग्राफ नंबर हम 7 की बात करेंगे। दोस्तों पहले वीडियो में हमने सिर्फ हिंदी को समझाया है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों ने कहा सर साथ ही साथ इंग्लिश को भी आप समझाते चलिएगा, भले 2 वीडियो के स्थान पर 3 वीडियो आपको बनाना पड़ जाए कोई बात नहीं, तो हमने अब इंग्लिश सहित आपको समझा रहे हैं, यानी कि पहले इंग्लिश पढ़ेंगे फिर उसका हिंदी मीनिंग वर्ड बाई वर्ड करके बताएंगे और इसके बाद उसे फुल डिटेल्ड फुल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश का हिंदी करेंगे दोस्तों। तो कहीं पर भी कोई मुश्किल आए छात्रों या किसी तरीके से कोई मुश्किल आए साथियों, तो आपको क्या करना है, सीधे कमेंट बॉक्स में अपनी मुश्किल को लिखना है और हम उसका आंसर देंगे या अगले वीडियो में आपको उसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आगे 7 नंबर पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम पैराग्राफ की बात करते हैं, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, उसने क्या कहा, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कोई आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता, कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता। तो देखो वो कहता है श्योर, श्योर ही इज, श्योर ही इज, निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से होता है, माय फादर, मेरे पिताजी नो जानते एज मच एज माय टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। इसके बाद वो कहते हैं ही नोज आलमोस्ट, ही नोज वो जानते आलमोस्ट लगभग एज मच आई बैट जा, ओके।
तो यहाँ पर मुझे पक्का विश्वास है कि उन्हें लगभग उतना ही आता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, बेटचा का मतलब होता है आई बेट यू, आई एम कन्फर्म्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, लगी शर्त। ओके, आई बेटचा का मतलब होता है, बेटचा का मतलब होता है कि आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ इस बात की। ओके, तो वहाँ पर भी आपस में गार्गी और दोनों टॉम, दोनों मार्गी, सॉरी मार्गी और टॉम दोनों क्या कर रहे हैं, मार्जी और टॉमी दोनों जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि निश्चित ही वो उतना ही जानते थे, या टीचर भी, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते थे जितना कि अध्यापक, ये मैं बेट लगा सकता हूँ। ओके, बेट के साथ कह सकता हूँ आई बेट यू, निश्चित ही, आई कॉन्फिडेंट इट। ओके, तो देखो अब आगे उन्होंने मार्गी बाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट डैट, उन्होंने क्या, जो मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी, मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, बिल्कुल तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट डैट, यानी कि इस पर बहस करने के लिए। डिस्प्यूट से मतलब वैसे तो झगड़ा करना होता है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंस, ओके क्या लगेगा जो है वो बहस करना लगेगा, वो बहस करने लगी, झगड़ा करने लगी इस पर, वो बिल्कुल इस बात पर तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने कहा मैं नहीं चाहूँगी, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति, आ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं चाहूँगी। कौन कहता है ये बात, मार्गी कहती है। तो बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये चैप्टर पहले मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाता था शॉर्ट स्टोरी में, जो कि अब नाइन्थ में उठा करके रख दिया है साथियों। तो टॉमी अब क्या हुआ, एंड All the kids learned the same thing. अब क्या हुआ Tommy? All the kids, यहां पर देखिएगा Tommy हंसी के मारे चीख पड़ी, यहां पर सॉरी थोड़ा सा छूट गया था साथियों। Tommy screamed का मतलब होता है चीखना, या हम ये भी कह सकते हैं जोर जोर से हंसना। स्क्रीम विद लाफ्टर का मतलब होता है लाफ लाउडली, ठहाका लगा करके हंसना, हा 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 वाली हंसी। ओके, तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी था वो जो है ठहाका लगा करके हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, मुझे लगता है मार्गी तुम्हें कुछ पता नहीं है, मुझे लगता है मार्गी तुम्हें कुछ पता नहीं है, यू डोंट मच नो। तब देखो वो कहता है द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं आता था, टीचर घर में नहीं रहता था, बल्कि दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उन लोगों के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक स्पेशल इमारत होती थी। ओके, और उन्होंने कहा एंड ऑल द किड्स बेन देयर, और सभी बच्चे बेंट मिस जाते थे देयर, वहाँ पर, जैसे कि आज के स्कूलिंग सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और आगे इस पूरे चैप्टर को पढ़ने पर आज के स्कूलिंग सिस्टम को बता रहे हैं, और आज से 100-200 साल बाद हमारी स्कूलिंग व्यवस्था कैसी हो जाएगी, हमारी स्कूलिंग व्यवस्था कैसी हो जाएगी, ये उसको इमेजिन कर रहे हैं, ये इसको फ्यूचर देख रहे हैं उसका, कि आगे आने वाले समय में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से हो जाएगा। ओके, जैसे इस समय हम लोगों की एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, स्कूल होता है, जहां पर सभी बच्चे जाते हैं इकट्ठे होकर के, और वो पढ़ाई करते हैं टीचरों ने, लेकिन आगे 100-200 सालों के बाद जो है हमारी सब ऑनलाइन क्लास होंगी, एक कंप्यूटर रखा होगा कमरे में, बस एक कमरे का हमारा स्कूल होगा, जो कि हमारे मकान के ही, जो हमारा घर होगा, घर का ही एक कमरा हमारा स्कूल बना दिया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने आपसे बात की इसकी कि टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा, तूने ज़्यादा नहीं पता, तुझे ज़्यादा नहीं पता मार्जी, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे, विशेष प्रकार के भवन हुआ करते थे, और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। अब आगे देखो,
एंड ऑल, क्या कहा उन्होंने, एंड ऑल द किड्स, सभी बच्चे, लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही जैसी चीजें सीखते थे, उन्होंने क्या, और सारे बच्चे क्या एक ही चीज पढ़ा करते थे। तब देखो श्योर, निश्चित ही, इफ दे वर द सेम एज, निश्चित ही यदि वह एक ही उम्र के होते थे तो, यानी कि अगर फिफ्थ क्लास के होते तो फिफ्थ क्लास के एक ही उम्र के बच्चे होते थे लगभग हम उम्र के, और उन्हें एक जैसा ही सबको पढ़ाया जाता था। अब आगे देखिए दोस्तों, पैराग्राफ नंबर हम 8 की बात करेंगे। पैराग्राफ नंबर 8 हमारा क्या कहता है, देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। अगर हम इस पैराग्राफ की बात करते, बट लेकिन, माई ब्रदर सेज, माई मदर सेज अ टीचर, उन्होंने क्या कहा, किंतु मेरी माता जी कहती हैं कि अध्यापक को, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। ओके, उन्होंने क्या कहा, किंतु मेरी माता जी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले, जिस बच्चे को भी वो पढ़ा रहे, हर एक लड़के और हर एक लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, उसके मस्तिष्क के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार उसको पढ़ाना चाहिए। इट टीचेज एंड डैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, उन्होंने कहा का यही कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता था। ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, यानी कि प्रत्येक बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता था। साथियों, इसके बाद उन्होंने कहा जस्ट, क्या कहा, जस्ट द सेम दे डिड नॉट इट डैट बे देन। ओके, उन्होंने कहा इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो उसने कहा इस प्रकार वे इसे, इस प्रकार यानी कि इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है। ओके, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, इस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए। किसने कहा ये बात, कौन कह रहा है? ओके, यहां पर लगातार कौन, अध्यापक हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार, यानी कि ये मार्गी कह रही है, क्योंकि मार्गी नहीं समझ पा रही है, टॉमी तो बुक पुस्तक को पढ़ ही रहा है बहुत अच्छे से, तो ये लाइन आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगली लाइन देखो, अगली लाइन हमारी क्या कहती, आई डिडंट से, आई डिडंट लाइक इट, मैंने ए नहीं कहा, आई डिडंट से मैंने ए नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं, आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं। मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने तीव्रता से कहा, बहुत तेजी से कहा, जल्दी से कहा, वह ओके सी वांटेड, वो चाहती थी टू रीड अबाउट, पढ़ना चाहती थी, दोज मीन्स ओन फनी स्कूल्स, यानी कि 100-200, सोचो अब वह उन फनी विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी, उनके बारे में जानना चाहती थी, कौन, मार्गी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट they were not even half finished ओके, वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप येट नॉट मम्मा। तो देखो क्या कहा उसने, उसने कहा कि उन्होंने आधी किताब भी समाप्त नहीं की, ये लोग दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी आधी किताब भी समाप्त नहीं कर पाई। तब तक क्या हुआ कि मार्गी की माता जी ने पुकारा, किसको, मार्गी को, कि मार्जी स्कूल, मार्जी ने ऊपर देखा, मार्जी लुक्ड अप, मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा, येट नॉट मम्मा, अभी नहीं, येट नॉट का मतलब अभी नहीं मम्मी, अभी नहीं माँ। ओके, फिर देखो नाउ सैड मिसेस जोन्स, ओके, अब श्रीमती जोन्स ने कहा ये मार्गी की मम्मी थी श्रीमती जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू,
और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। उन्होंने कहा एंड इट्स प्रोबेबली संभवतया शायद टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी तुम्हारे भी पढ़ने का समय हो गया, तुम्हारी भी क्लास का समय हो गया। तो मार्गी और टॉमी की माँ उन दोनों को पढ़ने के लिए बुलाना शुरू कर देती हैं, जबकि वो दोनों कहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं, ओके दे हैड अ फन, कितना आनंद ले रहे होते हैं, किसमें, उस बहुत पुरानी पुस्तक को पढ़ करके जिसमें दादाजी के, जो पुस्तक दादाजी के ज़माने की थी, क्योंकि इनके ज़माने में पुस्तकें नहीं थीं, पूरी की पूरी टीचिंग व्यवस्था ऑनलाइन थी। साथियों अब आगे पढ़ते हैं, मार्गी सेड टू टॉमी, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ दी बुक को, पुस्तक को, सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। उसने कहा, मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ, क्या मैं स्कूल, आफ्टर स्कूल है और विद यू तुम्हारे साथ, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ, थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ, कैन आई रीड दी बुक सम मोर, सम मोर और थोड़ी देर और किताब पढ़ सकती हूँ। तो देखो अब अगला पैराग्राफ हम लोग नाइन्थ पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे साथियों। नाइन्थ पैराग्राफ क्या कहता है, मे बी, क्या कहता है, मे बी, संभवतः, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल पढ़ सकती हो, ही सैड, उसने कहा, नन जेंटली, ओके उसने उदासीनता, इसका मतलब होता है नन चैलेंटली, ओके तो इसका मतलब होता है उदासीनता से, उसने बड़ी उदासीनता से कहा, ओके बह ही वॉक्ड अवे, ओके रेस्टलिंग, सॉरी बिसलिंग, ओके बिसल नहीं होता, बिसल मींस होता है सीटी बजाना, ओके ही वॉक्ड यानी कि वह सीटी बजाते हुए अपनी बाहों में, देखो ही वॉक्ड वो चला गया, वॉक्ड अवे मींस चला गया, ओके बिसल सीटी बजाते हुए The dusty old book, dusty का मतलब होता है धूल भरी, old book पुरानी पुस्तक को, okay tugged, और tugged का मतलब होता है दबा कर, tugged means दबा कर, beneath नीचे his arms अपनी बाहों में, यानी कि और वह अपनी, इसका मतलब आम बुझा, यानी कि वो बगल में उस किताब को दबा करके वहाँ से चला गया। हम ये कह सकते हैं संभवतः उसने उदासीनता से उत्तर दिया, वह सीटी बजाते हुए अपनी बाहों में उस धूल भरी पुरानी पुस्तक को दबा कर चला गया। अगली लाइन देखो, मार्गी बेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। हमने क्या बताया, ये 2000 यानी कि ये उस समय की लगभग 100-200 साल पुराने की बात चल रही है, इमेजिन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मार्जी विद्यालय कक्ष में गई, और वो मार्जी कहाँ गई, बेंट इनटू द क्लासरूम, अपनी क्लासरूम में गई, सॉरी क्लासरूम नहीं स्कूल रूम लिखा है, स्कूल रूम में गई, विद्यालय कक्ष में गई, ओके और यह विद्यालय कक्ष कहाँ पर बना हुआ था, समझिएगा, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके जो बेडरूम था शयन कक्ष के ठीक बराबर में था, राइट नेक्स्ट टू बेड हर बेडरूम, उसके शयन कक्ष यानी कि जो उसका शयन कक्ष था, बेडरूम था, बेडरूम के बराबर में एक दूसरा कमरा था, और उसी कमरे को इन लोगों ने क्या बना लिया था, अपना स्टडी रूम बना लिया था, अर्थात स्कूल रूम बना लिया था, वही एक कमरे का इनका स्कूल हुआ करता था जिसमें कंप्यूटर होता था और एक निश्चित समय पर जो है ऑनलाइन क्लासें लाइव चलती थी। इसमें क्या होता था, एंड मैकेनिकल टीचर और एक यांत्रिक अध्यापक जो है बाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो है वहाँ में चल रहा था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी कि वही पूरा का पूरा ऑनलाइन टीचिंग के बारे में बताया गया, ओके एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब वो अपने कंप्यूटर को खोले तो मैं उसे पढ़ाना शुरू करूं। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द स्टेज सेम टाइम एवरी डे, और ये
प्रतिदिन इसी समय खुलता था, यानी कि एक निश्चित समय था, उस निश्चित समय पर ही ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और सैटरडे संडे को अवकाश रहता था, छुट्टी रहती थी। तो हम कह सकते हैं साथियों, शनिवार व रविवार के अतिरिक्त के अलावा ये हमेशा प्रतिदिन इसी समय खुला रहता था, क्योंकि उसकी माता जी कहती थी क्योंकि हर मदर उनकी माता जी सैड कहती थी लिटिल गर्ल लर्नड बेटर कि लड़कियां यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वो बेहतर सीख सकती हैं, इफ़ दे हैव लर्नड एट रेगुलर हावर्स। रेगुलर हावर का मतलब होता है नियमित समय पर अगर पढ़े कोई भी, देखो कोई भी चीज़ अगर आप गेन करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में कुछ बनना चाहते हो, तो अपने जीवन में 3 words यू ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि रेगुलरिटी, पंचुअलिटी एंड हार्ड वर्क। इफ़ यू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ दीज थ्री वर्ड्स देन यू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, अदरवाइज यू नो वेरी वेल व्हाट इज योर फ्यूचर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि लर्न एट रेगुलर हावर, यानी कि उनकी माता जी कहती थी कि लड़कियाँ यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वो बेहतर सीखती हैं। फिर इसके बाद दी स्क्रीन वाज लिट अप, जैसे कंप्यूटर को ऑन किया तो कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो जल उठी, यानी कि लिट अप मीन्स जल उठी, एंड इट सेड, उसने कहा टूडेज अर्थमैटिक लेसन, आज का अर्थमैटिक लेसन है, यानी कि अर्थमैटिक का मतलब होता है अंक, गणित का पाठ पढ़ाया जाएगा, इज ऑन दी एडिशन, जोड़ना सिखाया जाएगा, एडिशन मीन्स जोड़ना, आप प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्नों के लिए कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, उचित भिन्न। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क, प्लीज इंसर्ट करो स्टडीज कल का होमवर्क इन आ प्रॉपर स्लॉट, इन आ प्रॉपर स्लॉट मीन्स खांचे में, उचित खांचे में डालें, जैसे एटीएम मशीन नहीं होता है पैसे निकलने का, कार्ड डालने का, हर एक जैसे हम एटीएम डालने का एक खांचा बना होगा, पैसे निकलने का खांचा, वैसे इन लोगों के होमवर्क डालने, कॉपी रखने का या होमवर्क डालने का एक उचित खांचा होता था, और उसमें कंप्यूटर मास्टर तुरंत से उसको चेकआउट करके आपकी कॉपी को दे देता था। जैसे कि आज की डेट में जो ऑनलाइन जितनी भी हमारी परीक्षाएं होती हैं या ऑफलाइन भी होती हैं, तो हमारी वर्कशीट को क्या करा जाता है, चेकआउट का, कंप्यूटर चेकआउट करके दे दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया हमको कि स्क्रीन चमक रही थी, इसने कहा आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है, कृपया कल के ग्रह को उचित खांचे में डालें। अब आज का अंतिम पैराग्राफ साथियों, और देखो ये पहले कुछ इस तरीके का एक डायग्राम ये बना हुआ है, पहले कुछ इस तरीके का एक कमरे का आपका क्या होता था, पूरा क्लासरूम होता था। मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर होता था वो स्क्रीन पर चमकने लगता था, यानी कि जैसे स्क्रीन को ऑन किया वैसे मैकेनिकल टीचर दिखने लगता था। अब अंतिम पैराग्राफ देखिए साथियों, 10 पैराग्राफ नंबर 10 की बात करेंगे, तो मार्गी डिड सो, मार्गी ने जैसा उसे बताया गया कि अपने होमवर्क को खाचे में डालो, तो मार्गी ने भी क्या करा, अपने होमवर्क को एक निश्चित खाचे में डाल दिया विद आशाई, एक आहा भरते हुए। तो देखो मार्जी ने ऐसी आहा के साथ, ऐसा आहा के साथ किया, यानी कि आहा भरते हुए, गहरी सांस लेते हुए, साई मीन्स क्या होता है, गहरी सांस लेना, तो गहरी सांस लेते हुए उसने अपने होमवर्क को जैसा कंप्यूटर मास्टर ने बताया वैसे उस खांचे में डाल दिया। सी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट बारे में द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी, दे हैड जैसे पहले हुआ करते थे, वह उन पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे। मेन मीन्स जब हर ग्रैंडफादर वाज आ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडफादर का मतलब हुआ दोस्तों दादा कौन हुए हमारे परदादा, ग्रैंडफादर क्या हुआ, दादाजी के दादा बाज आ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादा बहुत छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे, पूरे
अब क्या हुआ, ऑल द किड्स सभी बच्चे, ऑल द किड्स सभी बच्चे फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आ जाया करते थे, क्योंकि अब उसने उस जो पुस्तक उनको पुरानी मिली थी उस पुरानी पुस्तक के अनुसार उन्होंने इसमें देख पढ़ लिया था कि पहले स्कूलिंग व्यवस्था कैसी थी, स्कूलिंग सिस्टम हमारा कैसा था, कि पहले सभी पड़ोस के जितने भी बच्चे हुआ करते थे वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते थे और एक टीचर उन सभी बच्चों को पढ़ाया करता था। आगे All the kids from the whole neighborhood came and laughing, हंसते थे, shouting, चिल्लाते थे in the school yard, okay, स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के ग्राउंड में। तुमने देखा होगा जब इंटरवल वगैरह होता है तो हम लोग कैसे स्कूल मस्ती करते हैं। पूरे पड़ोस के सारे बच्चे, क्या लिखा है, पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे विद्यालय प्रांगण में, हंसते चिल्लाते थे विद्यालय प्रांगण में, हंसते चिल्लाते थे इन द स्कूल यार्ड, यानी कि स्कूल के ग्राउंड में, मैदान में। विद्यालय, अब क्या हुआ, सिटिंग, बैठते थे, इस समय की स्कूलिंग व्यवस्था को बताया जा रहा है, सिटिंग टुगेदर साथ साथ बैठते थे इन द स्कूल रूम, विद्यालय कक्ष में, विद्यालय कक्ष में वे सभी साथ साथ बैठते थे, और दिन के अंत में गोइंग होम जाते थे टुगेदर साथ साथ, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे का मतलब होता है दिन के अंत में, और दिन के अंत में वे साथ साथ घर चले जाते थे। इसके बाद साथियों, वे एक जैसी बातें सीखते थे, दे लर्न द सेम थिंग्स, सो दे कुड नॉट हेल्प वन अनादर, सॉरी, सो दे कुड हेल्प वन अनादर, और इसीलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। मान लीजिए हमको स्कूल में दिया गया होमवर्क समझ नहीं आया, क्योंकि पूरे क्लास को एक जैसा ही होमवर्क दिया जाता था, तो जिसको समझ आ गया होता था हम उसके डिस्कस कर लेते थे, यानी कि इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे, और विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और उस विषय में चर्चा भी कर सकते थे, बातचीत भी कर सकते थे, बात भी कर सकते थे। और इसके बाद देखो दोस्तों नेक्स्ट, एंड द टीचर वर पीपल, एंड द टीचर्स अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे, अध्यापक ओके व्यक्ति हुआ करते थे। इसके बाद द मैकेनिकल टीचर बाज, जो मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था, बाज फ्लैशिंग, जैसे हमारे मोबाइल में फ्लैश होता है, फ्लैश जैसे जलाते हैं तो क्या होती है चमक, तो फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना, यानी कि फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर होता था जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन किया और वो उस पर दिखने लगा, चमकने लगा। और हम क्या पढ़ा रहे थे, भेन जब भी ऐड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ऐड करना सिखाया जा रहा था 1/2 एंड 1/4 को, अर्थात जब हम भेन 1/2 एंड 1/4। अब देखो अगला, मार्गी बाज थिंकिंग अबाउट, मार्गी जो है वो थिंकिंग अबाउट, सोच रही थी ओके हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट, मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा, अबाउट हाउ द किड्स बच्चे मस्ट हैव लव इट, उन्हें कैसा लगता होगा, कैसा सोचते होंगे ओके इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में। सी वॉज थिंकिंग अबाउट, वह सोच रही थी द फन दे हैड, और वो ये भी सोच रही थी कि उन्हें उस जमाने में कितना मज़ा आता होगा, यानी कि दे हैड, सी वॉज थिंकिंग अबाउट, वो सोच रही थी द फन, फन के बारे में, दे हैड, कि उस जमाने में कितना फन था, कितना मज़ा आता होगा। तो चैप्टर की हिंदी एक बार, आज आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। साथियों ये रही इसकी ग्लॉसरी, अगर ग्लॉसरी को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ तभी अलग से वीडियो हमें नहीं बनाना पड़ेगी ओके, ये आप देख लीजिएगा, इनका हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं धीरे धीरे अपनी कॉपी पर कहीं लिख लीजिएगा इस ग्लॉसरी को, और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि ग्लॉसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए रेगुलर यूजुअल नेम क्या होता है ओके। तो ये रही हमारी ग्लॉसरी की बातें, अब हम
एनसीईआरटी जोन की बात करेंगे वो अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।